Hello guys, very good morning. Welcome once again to your favorite channel, that is Luqman IAS Academy. And we are going to proceed in our today's DCA session, that is Daily Current Affairs Analysis, for the date that is 10th of January 2023. Okay, so moving on to the very first headline for the day, what we have got: the Union Home Minister inaugurated 122-foot tall statue of a polo player astride a Manipur pony in Imphal. It is believed that Sagol Kangjei, the modern day polo game, originated in Manipur. Okay, तो polo जैसे कि हम जानते हैं कि इतिहास का एक बहुत ही खूबसूरत game रहा है, ठीक है? आज की डेट में ये एक बहुत ही जो है एक elite class game माना जाता है polo, right? जैसे कि कुछ games हैं जिनको हमने पहले ही नाम दे दिया कि elitist games हैं, like for example हमारे पास एक game होता है golf, the sports, not game actually, sports. Okay, so जैसे कि the sports of golf. Right, we talk about the sports of golf. This is one of the sports called, you know, the elite class of the sports. Then, उसी elite class के अंदर हमारे पास एक और game भी होता है, इसको हमने नाम दिया है polo. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कुछ मिनटों पहले कहा, that is elite history रही है अपने इस game की. Like, for example, you talk about, there was someone known as the Mughal, before the Mughal, that is Delhi Sultanate we talk about. So, we have got the slave dynasty. In that, right? Also known as, popularly known as slave dynasty, also known as Mamluk dynasty. तो अगर हम बात करें, इसमें यहाँ पर हमारे सामने थे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब, ठीक है? The king of the slave dynasty, या one of the sultans of the Delhi Sultanate. हमने देखा कैसे तरीके से वो चौघन खेलते हुए, उनकी death हो गई थी हादसे में, okay? Polo, यानी कि चौघन उस जमाने में कहा जा रहा था, तो अपने horse से गिर गए और वहीं पर उनका जो है accident हुआ और उसी में उनकी मौत हुई. तो एक इतिहास रहा है हमेशा से पोलो का हमारे साथ, हिंदुस्तान के साथ. और क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से फिर मॉडर्न एजेस के अंदर आते आते ब्रिटिश एरा के अंदर जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे, तो उस वक्त पोलो और भी ज्यादा अपनी जो है जेनिथ पर पहुंचेगा, रफ्तार पकड़ेगा और अपने आप को एलीट क्लास स्पोर्ट्स का खिताब दिलवाएगा. तो यहां पर कहानी है पोलो स्पोर्ट्स की, लेकिन ये एक्चुअली में पोलो हमारे यहाँ बहुत पहले से खेला जा रहा है, ओके? जिसका एक बहुत ही वंडरफुल एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज द नेम सगोल कंगजेई, ओके? द मॉडर्न डे पोलो, इट ओरिजिनेटेड इन मणिपुर. तो आइए इसके अंदर की फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं. सो इट इज अ स्पोर्ट इंडिजिनियस टू मणिपुर इन विच प्लेयर्स राइड हॉर्सेस, स्पेसिफिकली दी मणिपुर पोनीस. तो हमारे पास एक बहुत ही वंडरफुल या ब्यूटीफुल ब्रीड है हॉर्सेस की, जिसको हमने क्या नाम दिया है, मणिपुर पोनी, ओके? सो विच आर रेफर्ड इन रिकॉर्ड्स डेटिंग बैक टू द 14th सेंचुरी. द स्पोर्ट ओरिजिनेटेड इन मणिपुर एंड इज एसोसिएटेड विद एंशिएंट मैनुस्क्रिप्ट्स लाइक कंगजेरोल, ओके? कंगजेरोल. इवन फेस्टिवल्स इन मणिपुर सच एज लाई हरौबा, ओके, शोज अ प्ले सीक्वेंस इन विच मेबी with a polo stick in hand goes out in search of a bride, right? अगर हम बात करें इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, तो उसमें हमारे पास एक चैप्टर आता है इंडियन क्लासिकल डांसेस. उसी क्लासिकल डांसेस के अंदर देखते हैं हमारे पास एक बहुत ही वंडरफुल डांस है, दैट इज द मणिपुरी डांस. मणिपुरी डांस एक उसकी सबसे पहले खासियत अगर हम बात करें तो इसकी जो हिस्ट्री है दैट गोज बैक बियॉन्ड द डेट्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि अगर इसको बोले बियॉन्ड हिस्ट्री कहते हैं हम इसे, यानी कि अगर बाकी क्लासिकल आर्ट्स की अगर हम बात करें, चाहे पेंटिंग्स हो, चाहे वो पपेट्री हो, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो हमारा डांस ही क्यों ना हो, तो हर एक पर्टिकुलर आर्ट का ना एक टाइम पीरियड है कि 2nd सेंचुरी में शुरू हुआ, 10th सेंचुरी में शुरू हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन वेन वी टॉक अबाउट द ट्रेस ऑफ द मणिपुर मणिपुरी डांस, ओके, तो इसके जो ट्रेसेस हैं वी कॉल इट बियॉन्ड हिस्ट्री, बियॉन्ड रिकॉर्डेड हिस्ट्री. हमें पता ही नहीं है कि ये कितने साल पुरानी है, कब से चली आ रही. तो आप सिंपली से कह सकते हो सिंस द टाइम ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ है तब से मणिपुरी डांस जो है वो चल रहा है, ठीक है, ओके? तो उसी मणिपुरी डांस के अंदर हमने देखा है कि एक फेस्टिवल और मनाया जाता है, दैट इज नोन एज लय हरौबा. इसको हम कहते हैं सिंपल शब्दों में मैरी मेकिंग ऑफ द गॉडेसेस, ऑफ द गॉड्स, राइट? तो उसके अंदर दो परफॉर्मेंस होते हैं, दो प्रिंसिपल परफॉर्मर्स होते हैं, मैबा और मैबी, ओके, द प्रीस्ट एंड द प्रीस्टेस, राइट? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, मैबी, ओके, प्ले अ सीक्वेंस इन विच मैबी, दैट इज द प्रीस्टेस, ओके, विथ अ पोलो स्टिक इन हैंड गोज आउट इन सर्च ऑफ द ब्राइड, ओके.
So there are no goal posts. कोई goal post नहीं होता था in the traditional form as the players scores a point by hitting the ball out of the field. ठीक है, अगर हम बात करें हमारा ये जो sport है that is popularly known as okay. We talk about the name. Okay, that is the Sangol Kangjai या Sangol Kangjai. उसमें कोई भी goal post नहीं होता था. Okay, there is nothing known as goal post there. तो उसमें देखा जाता था कि कौन कितनी ताकत से पोलो स्टिक से यानी कि वो जो स्टिक जिसका इस्तेमाल किया जाता है जो हॉकी जैसा दिखता है उसका इस्तेमाल करके ग्राउंड से बाहर बॉल मारता है. ओके, सो दैट मींस प्रिंसिपली टॉकिंग अबाउट नो गोल पोस्ट. ओके, नाम क्या है? सगोल कंगजई. ठीक है, कौन से हॉर्स का इस्तेमाल हो रहा है? पोनी, द मणिपुर पोनी, वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रीड्स व्हेन यू टॉक अबाउट द एनिमल नोन एज हॉर्स. राइट, so the Manipur pony is one of the five recognized equine breeds of India and has a powerful cultural significance from Manipur society. Okay, one of the five recognized equine breeds. Right, पांच equine breeds हैं. Okay, so उनमें से एक जो है कौन सी हमारी? Manipur pony. So आगे की बात अगर हम करें इसके अंदर, the merging polo complex has been developed as a way to conserve the Manipur pony. तो अब आपके लिए prelims के perspective से आपका जो दूसरा question है, ध्यान रखिएगा, Manipur pony, ठीक है, उसको preserve करने के लिए हमने कोई complex तैयार किया है, that is known as merging polo complex. अब obviously बात है, Manipur pony की बात कर रहे हैं, तो फिर ये location कहाँ होगी? Obviously in the state of Manipur. Okay, now one source stated Tibetan ponies as its ancestors, while another source stated its origin to be cross between Mongolian wild horse and the Arabian. ठीक है, तो यानी कि इनकी जो ब्रीड की अगर हम बात करें, हमारे मणिपुर पोनीज की जो ब्रीड्स अगर उनकी हम बात करें, तो हमें क्या समझ में आता है इसमें? हमें समझ में आता है कि भाई ये इनका जो एक्चुअल हिस्ट्री है, मतलब इनका जो एक्चुअल ओरिजिन है वो क्लियर नहीं है. कुछ की अगर हम माने तो दे आर फ्रॉम द टिबेट लोकेशन, दैट इज फ्रॉम द टिबेट पोनीज, राइट, बट सम अदर्स दे आल्सो स्टेट इट टू बी ईदर फ्रॉम द मंगोलिया और फ्रॉम द अरेबियन प्लेट्यू. राइट, ओके, तो ये दो चीजें ध्यान रखनी, दैट इज स्पेसिफाइड नहीं है. ध्यान से इसको लिख लीजिए, दिस मणिपुर पोनीज का जो ओरिजिन है, ओके, इनके जो एंसेस्ट्रल ब्रीड्स की अगर हम बात करें तो उनका ओरिजिन फिक्स नहीं है. दे समवेयर रोम बिटवीन मंगोलिया अरेबिया एंड टिबेटन पोनीज, राइट, दैट्स इट. तो मंगोलिया अरेबिया एंड टिबेटन, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है. ओके, इन शॉर्ट वी कॉल इट मैट. ओके, एम ए टी, याद रखने के लिए आप इसको लिख सकते हो ऐसे, मंगोलिया अरेबिया एंड टिबेट, राइट. इन सम मैनुस्क्रिप्ट्स इट इज रेफर्ड टू एज मंगल सा और मंगोलियन एनिमल. ठीक है, कुछ मैनुस्क्रिप्ट ऐसे हमें देखे हैं जिसके अंदर इनको नाम दिया गया है क्या? मंगल सा, दैट इज मंगोलियन एनिमल, मंगोलियन जानवर, राइट. इन मणिपुरी माइथोलॉजी द मणिपुर पोनी वॉज रिगार्डेड टू हैव डिसेंडेंट फ्रॉम सनडम समादोम. ओके, समादोम अयंबा, द विंग्ड स्टीड ऑफ लॉर्ड मर्जिंग, वन ऑफ द गार्जियन देवतीज ऑफ मणिपुर. ठीक है, तो इनको जो है एक जैसे हम अपने देवी देवताओं की बात करते हैं इंडिया में, तो हर एक देवी देवता का अपना एक वाहन होता है, राइट, ओके, तो यहां हम बात कर रहे हैं मणिपुर के अंदर लॉर्ड या द गॉड. ओके, क्या नाम है इनका? ओके, यस, समादम अयंगबा द हॉर्स, मणिपुर पोनी, विंग्ड स्टीड लॉर्ड मर्गजिंग, ओके, वन ऑफ द गार्जियन देवतीज ऑफ मणिपुर. ओके, तो अगर हम बात करें द 17th Quiennial Livestock Census of 2003 recorded Manipur ponies जो है वो 1898 हुआ करते थे, right? लेकिन गिरते गिरते मौजूदा समय में अगर अभी हम बात करें तो ये 500 से ज्यादा अभी अवेलेबल नहीं है. 2003 में जो 1898 हुआ करते थे, अभी प्रेजेंट सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सो दे आर नॉट मोर देन 500 इन नंबर्स. ओके, चलिए, तो ये तो रही हमारा पहला हेडलाइन. अब हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं. The European Union is weaning itself off piped Russian gas by rapidly expanding imports of liquefied natural gas. Much of it's fragged in the US. ठीक है, अभी दूसरा सीन क्या है यहां पे हमारे पास? That is with regard to the Russian supply, Russian gas supply in the continent of Europe.
तो यूरोपियन यूनियन जो है वो कहां बढ़ चला है, वो बढ़ चला है इस वक्त रशिया से हटकर अमेरिका की तरफ। As we already discussed it a number of times in our previous sessions, that is कोई बड़ी बात नहीं है ये। Okay, यूरोप का जो major energy supplier है वो हमेशा से रशिया बना रहा है। And watching about the present Russian actions in Ukraine, and watching about the present actions of the world against Russia, talking about the West, talking about the European countries as well, okay, they have imposed n number of sanctions on the country of Russia, and a number of sanctions on it. राइट, नो इश्यूज इन, नो क्वेश्चंस इन दैट। तो उसी चीज को अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई जो एलपीजी और सीएनजी की जो सप्लाई थी दैट इज फ्रॉम रशिया, अब कई यूरोपियन कंट्रीज जो है उन्होंने अपना टिल्ट दिखाना शुरू कर दिया है, किस तरफ, इट इज टुवर्ड्स द यूएस। ओके, सो अगर हम नेचुरल गैस की बात करें, सो इट इज अ फॉसिल एनर्जी सोर्स, ओके, टॉकिंग अबाउट the LPG, okay, yeah, natural gas, it is a fossil energy source that formed deep beneath the earth's surface. And natural gas contains different compounds. The largest component of the natural gas is methane, a compound with one carbon atom and four hydrogen atoms, that is CH4, right? तो ये तो चलो कॉम्पोनेंट्स हैं साइंस एंड टेक के, ये सब आपके सामने हैं, इनको हमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, देर आर वेरी बेसिक थिंग्स। द ओनली थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज व्हाट इज एक्चुअली द यूरोपियन यूनियन्स स्टैंड ऑन इट्स एनर्जी सप्लाई, ये यूएस की तरफ क्यों टिल्ट हो रहे हैं। तो हम जवाब बहुत क्लियर है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, सिंपल, दैट इज कि रशिया के जो एक्शंस हैं यूक्रेन के ऊपर, और खास तौर पे पूरी दुनिया के कहने के बाद भी जब रशिया ने यूक्रेन पर अपने अटैक्स बंद नहीं किए, और रशिया यूक्रेन वॉर जब बंद नहीं हुआ, यूक्रेन की तरफ हमने देखा कि किस तरीके से दुनिया भर की कंट्रीज को जो है हम Okay, sorry for inconvenience, guys. Right, so coming to the point, कि किस तरीके से हमने देखा कि यूक्रेन के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज की हमदर्दी नजर आई। ओके, यू टॉक अबाउट फ्रांस, यू टॉक अबाउट जर्मनी, यू टॉक अबाउट इटली, यू टॉक अबाउट द होल ऑफ द अमेरिकन कंट्रीज, दैट इज नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज साउथ अमेरिकन कंट्रीज, सबने अपना जो सिंपथी जो कार्ड है वो यूक्रेन की तरफ खेला। ओके, और साथ ही साथ रशिया को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया, और जो है क्लेम किया भाई कि आप जो है दुनिया भर में इंसानियत के अगेंस्ट काम कर रहे हो वगैरह वगैरह ऐसे करके। तो ऐसे में बहुत सारी कंट्रीज हैं यूरोप की जो परेशान हो गई कि भाई अगर यूक्रेन, अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए तो हमारा जो गैस सप्लाई है, जो एनर्जी सप्लाई का जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सो दैट्स वाई नाउ द होल ऑफ द यूरोपियन यूनियन स्टार्टेड शोइंग अ टिल्ट टूवर्ड्स अमेरिका, सो दैट कि जो प्रॉपर सप्लाई लाइन है वो बना रहे। ओके, और कोई बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका रशिया के ऊपर एक्शन जो है फिजिकल एक्शन दैट इज वॉर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, बिकॉज अमेरिका इससे साफ शब्दों में चाहता है गेन करना मॉनेटरी बेनिफिट्स। ओके, अब साफ दिखाई दे रहा है अमेरिका ने खींच लिया यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को अपनी तरफ कि गैस सप्लाई तुम्हारा हम प्रॉपरली जो है तुम्हें बनाए रखेंगे, रशिया से अपने रिश्ते नाते काट दो, खत्म करो कहानी। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स recently has approved an investment of ₹2,601 crore for 382 MW Sunni Dam hydroelectric project in Shimla and Mandi districts. ठीक है, 2,614 करोड़ का investment जो है अभी approve किया गया है। किसने approve किया है? Cabinet Committee on Economic Affairs. ठीक है, right? फॉर वॉट 382 MW सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कहां पर है ये? शिमला और मंडी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। सो नाउ अबाउट द प्रोजेक्ट, वी टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट, सो इट इज अ रन ऑफ रिवर टाइप डेवलपमेंट प्रपोज टू हार्नेस द हाइडल पोटेंशियल ऑफ रिवर सतलज। ओके, कौन से रिवर पर? रिवर सतलज पर। तो अब जब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि MW सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किसके ऊपर है, तो इट इज रिवर सतलज। इट एम्स टू प्रोवाइड वेरियस बेनिफिट्स टू लोकल सप्लायर्स, लोकल एंटरप्राइजेस, MSMEs, एंड इट इज पार्ट ऑफ द लुहरी प्रोजेक्ट विच इज डिजाइंड टू कंप्राइज 3 हाइड्रो पावर डैम्स। ओके, सो 3 हाइड्रो पावर डैम्स, दैट इज
Luhri stage 1, 210 megawatt. Luhri stage 2, 163 megawatt. And Sunni dam 382 megawatts. ठीक है, तो Luhri project के अंदर का एक sub project है, नाम क्या है? Sunni dam project. कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश के अंदर. ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, शिमला और मंडी स्पेसिफिकली. कौन से रिवर के ऊपर है? तो रिवर का नाम होगा सतलज. ठीक है, तो तीन स्टेजेस है, ध्यान रखिएगा. Luhri स्टेज 1 विद कैपेसिटी ऑफ 210 मेगावाट्स, Luhri स्टेज 2 विद कैपेसिटी ऑफ 163 मेगावाट्स, एंड द फाइनल वन दैट इज द सुन्नी डैम, जिसके ऊपर अभी 2614 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ है, दैट इज 382 मेगावाट्स. ओके, तो अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है? थर्ड वन इटसेल्फ, दैट इज द सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट. ओके, कहां पर? शिमला एंड मंडी. सो आगे के इसके फर्दर एस्पेक्ट्स की बात, एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, so it will be governed by Indus Water Treaty signed between India and Pakistan in the year 1960. तो अगर आप IWT Indus Water Treaty की अगर आप बात करते हो, अगर हम इसकी components को लेकर चलें, so there are rivers known as Indus, Chenab और Jhelum that goes to the Pakistan. Okay, and we have got Satluj, Ravi and Bias, that is under the कंट्रोल ऑफ इंडिया. ठीक है, 80:20 का रेशियो है दोनों में. ओके, यहां पर ये 80:20 यूज करेंगे ICJ का, बोले तो इंडस, चेनाब और झेलम का, और इधर हम यूज करेंगे 80%, दैट इज सतलज, रावी और ब्यास का. ओके, तो सतलज कहां पर है? 80% कंट्रोल में इंडिया के साथ. ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को ध्यान जो है चालू किया है. ओके, so this is because the project lies in the Satluj basin, which is a part of the Indus basin, and its objective is to produce as much energy as possible with minimum cost and fewer negative impacts on the environment. ध्यान रखिएगा, word क्या है यहाँ पे? Fewer, least, okay, कम से कम. यानी कि कोई भी hydroelectric power project है, उसका impact तो देखो होता है. हम बस बात कर रहे हैं किसकी? Least impact की. ठीक है, okay, so this is the one. Now we move on to the next one. According to a new report, cloud forest assets financing is a valuable natural based solution released by Earth Security. Okay, a global nature based asset management advisory firm. So Earth Security kya hai? A global nature based asset management advisory firm. To unhone kya bola? That is, according to the report, cloud forest assets financing is a valuable nature based solution. Okay, aiye dekhte hain puri kahani. The report is aimed at the three stakeholders: national governments, non profits and communities. Cloud forests are montane rainforests. To sabse pehli cheez, cloud forest ka jo main naam hai us par nazar dal lijiye, they are known as the montane rainforest. So they refer to the vegetation of tropical mountainous regions where there is a heavy rainfall and persistent condensation resulting from the cooling of the moisture being pushed upwards by the mountains. Theek hai, to montane rainforest ki agar aap baat karoge to uski khasiyat kya hai, to unme hum kya dekhte hain? Heavy rainfall, साथ ही साथ यहां पर क्या है? कंडेंसेशन भी हो रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ द कूलिंग ऑफ द मॉइस्चर बीइंग पुश्ड अपवर्ड्स. जो मॉइस्चर है वो गर्म, वो जो है ठंडा हो रहा है, कूल हो रहा है, ठीक है, और ऊपर की तरफ जा रहा है. तो प्रॉपरली जो है वहां पर कंडेंसेशन का जो प्रोसीजर है, जो फिनोमिना है, ओके, वो हमें ज्योग्राफिकल फिनोमिना जो हमें देखने को मिलता है. ओके, सो माउंटेन रेन फॉरेस्ट दैट इज द क्लाउड फॉरेस्ट, या क्लाउड फॉरेस्ट दैट इज द माउंटेन रेन फॉरेस्ट. ठीक है, सो दे आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट, फ्रीक्वेंट एंड सीजनल लो लाइंग लेयर ऑफ मिस्ट एंड क्लाउड कवर, यूजुअली एट द कैनोपी लेवल, मतलब बोले तो लोएस्ट लेवल पर. ओके, अगर हम बात करें यहां पर मिस्ट, मिस्ट मतलब क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्दी का मौसम है, अभी आप लोग अपने अपने शहरों में, अगर नॉर्थ इंडियन रीजन में अगर आप हैं, तो आप देख पा रहे हैं कोहरा. ओके, फॉग, राइट? सो दैट्स टाइप, दैट्स अ मिस्ट टाइप ऑफ कंडीशन. तो ये हमेशा यहां पर बना रहता है. तो माउंटेन फॉरेस्ट की अपनी ये खासियत है. सो क्लाउड फॉरेस्ट्स आर रेयर सिंस द एक्सेप्शनल कंडीशंस दैट क्रिएट दीज फॉरेस्ट्स आर ओनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज विथ टॉल माउंटेन्स. तो क्लाउड माउंटेन्स, जो क्लाउड जो फॉरेस्ट है, ये कहां हमें देखने को मिलेंगे? तो ये हमें देखने को मिलेंगे फॉरेस्ट, ओके, एक्सेप्शनल कंडीशंस, ओके, फॉरेस्ट है, ये कहां देखने को मिलेंगे? ट्रॉपिकल एरियाज में.
और यहाँ की एक दूसरी खासियत क्या होती है, यहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं ये काफी ही टॉल होते हैं, बहुत ज्यादा जो है टॉल होते हैं। ओके गाइस, सो ये ध्यान रखिएगा, दैट इज वेयर डू यू फाइंड क्लाउड फॉरेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ओनली अवेलेबल इन द ट्रॉपिकल एरियाज एंड नॉट ऑल द ट्रॉपिकल एरियाज, दोज ट्रॉपिकल एरियाज विच हैव गॉट द टॉलर माउंटेन्स। ओके, सो दैट जो लैंड ब्रीज है ओके वो बहुत ही इजी फ्लो ले सके, और उस इजी फ्लो की वजह से ये ठंडी हवा को ऊपर की तरफ लेकर जा रही है। ओके, और यहां पर ये क्या बनाए रख रहा है, या तो रेनफॉल है या तो फिर कंडेंसेशन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मिस्ट यानी कि कोहरा, फॉग जो है दिखाई दे रहा है। ओके, सो ड्यू टू देयर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्लाउड फॉरेस्ट आर यूजुअली फाउंड अलोंग द साइड्स ऑफ द माउंटेन्स एट द एलिवेशन बिटवीन 3000 टू 10000 फीट, as low as 1650 feet in the tropics between coordinates 20 degree north and 20 degree south. So, jara in coordinates ko dhyan se likhenge. Okay, make this thing very clear guys. Due to their unique characteristics, okay, cloud forests are usually found along the sides of the mountains. So, let's say for example, this is the mountain. So, inke sides mein, theek hai, yahan par hume ye jo clouds hain wo dikhenge. Okay, माउंटेन्स एलिवेशन क्या होगा 3000 टू 10000 फीट, और सबसे लोएस्ट एलिवेशन जो इनका हो सकता है वो 1650 बोले तो 1650 फीट, एब्सोल्युटली ऑब्वियसली इन द ट्रॉपिकल रीजन इटसेल्फ। और अगर हम बात करें लोकेशन वाइज तो 20 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ, ठीक है, ये हमें देखने को मिलते हैं। सो ओनली 1% ऑफ द ग्लोबल वुडलैंड्स are considered as cloud forest, following a decline from 11% in the 1970s due to the excess human interference. Okay, so ab agar aage ki baat kare, apne agle headline ki taraf hum chale. So a new species of dwarf boa has been discovered in the upper Amazon basin, reported a paper published in the journal, European Journal of the Taxonomy. तो एक सांप है जो देखने को मिला है हमें, नाम क्या है इस सांप का, ड्वार्फ बोआ। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्नेक, ड्वार्फ बोआ। ओके, सो द स्नेक फ्रॉम द ट्रॉपिडोफिडे फैमिली, फैमिली का नाम क्या है, ट्रॉपिडोफिडे, वॉज फाउंड इन द क्लाउड फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न इक्वेडोर एंड वॉज अप टू 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ओके, क्या नाम है, ड्वार्फ बोआ। तो सिंपली आप एक नाम ध्यान रख लो, ड्वार्फ बोआ नाम का एक स्पीसीज फाउंड किया गया है, और इस स्पीसीज की खासियत क्या, ये है कौन सा स्पीसी बोले तो सांप, दैट इज स्नेक। ओके, कौन सी फैमिली से है, ट्रॉपिडोफिडा। ओके, नाउ मूविंग अहेड, सेंटीमीटर कितना है लॉन्ग, कितना है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, बोले तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी डेंजरस तो है अपने आप में। ओके, सो ट्रॉपिडोफिस Cacungo can be identified from other reptiles in the same genus based on its external features and bone structure. So its coloring is primarily light brown with darker brown or black blotches, similar to a boa constrictor. ठीक है, color की अगर आप बात करोगे तो कौन कौन सा color यहाँ पर मिलेगा, dark brown, okay, black blotches और the light brown. So the species inhabits Eastern tropical Piedmont and a lower evergreen montane forest in the Amazon tropical rainforest biome. अभी हमने बात किया था cloud जो cloud forest की, तो ये उसका एक example है. Okay? Okay guys, so this is it with regard to the today's points on the today's current affairs. Okay? तो कुछ points और भी हैं, एक जरा इनको भी नजर डाल देते हैं. Okay? With regard to the boa, that is the species of snake. The species is unusual for having a vestigial pelvis. Okay, इनके अंदर एक खासियत है, क्या है? Vestigial pelvis, which is the characteristic of primitive snakes. Okay, primitive snake की एक खासियत है, that is vestigial pelvis. और ये जो boa हमें मिले हैं, उनके अंदर ये दिखाई देता है. Okay, this could be evidence that snakes descended from lizards that lost their limbs over millions of years. तो ये जो vestigial pelvis है, ये एक evidence है. किसका evidence है? ये हमारे snakes के descendants का, जो कि lizards से आ रहा है. Okay,
So the snake names honors Dolores Kakungo, an early 20th century pioneer in the fight for indigenous and farmers' rights in Ecuador. तो वहां के जो है ये farmers के hero हैं, ठीक है? नाम क्या है इनका? Dolores Kakungo. Okay. So the discovery of T. Kakungo demonstrates that small and cryptic vertebrates can undergo large periods of time without being detected, यानी कि छुपे रहने में ये उस्ताद हैं, ठीक है? नाम क्या होगा इनका? सो नाम बहुत ही क्लियर है, ठीक है? That is the dwarf boa, ठीक है? Dwarf boa बोले तो छोटा, okay? कितना छोटा है? 20 सेंटीमीटर, okay guys? So that's it for the day, okay? We'll see you soon in the perspective tucker class, okay? So I hope you love the session. So please do not forget to like it. Do share it as well and subscribe for the channel. Bye-bye. Take care. Jai Hind.